हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप ही लोगों में से मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि मिंत्रा पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है तो मिंत्रा हॉल चाहिए आप लोगों को। तो मैंने इतनी ज़्यादा भर के शॉपिंग करी है ना, मैंने फटाक से जैसे मुझे पता लगा कि कुछ ऐसी सेल चल रही है, मैं सिर्फ फटाक से गई एंड मैंने 10 चीज़ें ऑर्डर कर डाली। और मैं बता नहीं सकती हाउ हैप्पी आई एम विद ऑल ऑफ माई परचेजेज। एंड मैं इतना मर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी से कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। सो आई हैव गॉट डेनिम्स, आई हैव गॉट एथनिक पीसेज, टॉप्स, फॉर्मल वेयर। मेरे को जितनी चीज़ें दिख रही थी ना अच्छी, मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर डाली। सो आई थिंक अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस हॉल इज गोइंग टू बी सो ह्यूज। So let's just get started. Okay, so I want to start off with the kurta set जो आप लोग already देख चुके होंगे। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखा होगा या फिर अगर आपने मुझे Instagram पे follow किया हुआ है तो मैंने वहाँ पे भी रील्स डाली हुई थी। और मैं इससे start करना चाहती हूँ because this is one of my favorites from this haul and मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती आप लोगों को ये दिखाने के लिए। So this is the kurta set and this is from Libas। और ये इतना ज़्यादा प्यारा कुर्ता है, ओ माय गॉड। इसका मटेरियल इट इज़ इन प्योर कॉटन। इसमें आपको 3 पीसेस मिलेंगे, एक कुर्ता, एक शरारा सेट एंड एक दुपट्टा। और ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया था। ये मुझे पड़ा था 1049 रुपीज़ का, विच इज़ सुपर अफोर्डेबल फॉर अ कुर्ता सेट लाइक दिस, जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिल रही है। एंड ये मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में। एंड फॉर योर रेफरेंस माय बस्ट साइज इज 32, तो आप भी अपना उस हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा फिट आएगा। एंड इसका एक्चुअल प्राइज इज 3499, विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव। अगर ये अपने एक्चुअल प्राइस में होता तो मैं डेफिनेटली इसको नहीं लेती कभी भी। एंड करेंटली दिस इज़ अवेलेबल फॉर 1749। जितना मैंने लिया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट आप इसको अपने विश लिस्ट में डाल सकते हो। एंड कभी और वापस से कभी कोई सेल आती है तब आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज दिस कुर्ता इज़ वेरी 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 नाइस। आप इसको पूजा में पहन सकते हो, अगर किसी की हल्दी सेरेमनी है वहाँ पे भी पहन सकते हो। इनफैक्ट आप इसको अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो, इफ यू आर अ टीचर तो आप अपने स्कूल में भी पहन सकते हो। बेसिकली आप इसको बहुत सारी जगह पहन सकते हो। एंड आई लव द मटेरियल, वेरी समर अप्रोप्रिएट। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मटेरियल है, कॉटन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको कुर्ते को देख के आपको ऐसा लगेगा कि कोई चिकनकारी का काम किया हुआ है, बट एक्चुअली इट्स नॉट, इट्स प्रिंटेड। एंड प्रिंट भी जो इस पे है ना वो ऐसा नहीं है कि धुलने के बाद ये निकल जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो आई रियली लाइक दिस कुर्ता, लव इट टोटली एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि जैसे ये आया मुझसे वेट नहीं हुआ, मैंने शॉर्ट्स एंड रील्स बनाई डाली तुरंत। एंड मैंने हॉल वीडियो का भी वेट नहीं किया। सो या आई रियली लाइक। ओके, सो हम एथनिक की बात ही कर रहे हैं तो मैंने एक और कुर्ती ली है, तो मैं उसको भी दिखा देती हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी 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 नाइस कुर्ती, आई लव इट। एंड ये वाला बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कुर्ता है। सो दिस इज़ द कुर्ता। इतना ज़्यादा प्रिटी कलर आप देख सकते हो, ये मैजेंटा एंड पिंक कलर में ये कुर्ती है। प्योर कॉटन, वेरी समर अप्रोप्रिएट, वेरी नाइस। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि इसकी जो स्ट्रैप्स दी हुई हैं दीज आर एडजस्टेबल, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसको स्मॉल साइज़ में लिया एंड मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ। बहुत ही ये सब बॉडी हगिंग नहीं है, थोड़ा सा लूज सा है, बट आई लाइक इट दैट वे। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये कुर्ता। दिस वन इज सुपर 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 अफोर्डेबल। ये मैंने लिया था सिर्फ 581 रुपीज़ का। करेंटली दिस इज अवेलेबल फॉर 597, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये कुर्ता अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बट अगर मैं बताऊँ पर्सनली तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन बिकॉज आई लव द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई लव द मटेरियल एंड आई लव द फिट ऑल्सो। सो ओवरऑल मुझे ये पूरी कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने सोचा कि मैं कुछ फॉर्मल्स में भी ट्राई करती हूँ, तो मैंने एक फॉर्मल पैंट लिया। बेसिकली दीज आर culottes, but I am not happy with this one. Let me just show you. So these are the culottes. Brown color में है। So पहले इसकी कुछ अच्छी चीज़ें बता देती हूँ। So this is इन अ वेरी नाइस मटेरियल, काफ़ी ऐसा सिल्क जैसा मटेरियल है, वेरी सॉफ्ट ऑन योर स्किन, बट आई रियली डोंट लाइक इट्स फिटिंग। मुझे जितना एक्सपेक्टेड था ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड ये वेरो मोडा का है तो मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे, बट ऑनेस्टली मुझे इतने अच्छे से फिट नहीं हुआ। मुझे ओवरऑल लुक ना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ऑफिस वगैरह के लिए इसको ले लेती हूँ, अच्छा लगेगा, बट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा एंड मैं भी इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज फिटिंग अच्छी नहीं थी। मैंने इसको 27 साइज में मंगाया था एंड दैट वाज दी स्मॉलेस्ट साइज अवेलेबल इन दिस वन। अगर 26 में होता है तो मैं 26 के लिए जाती एंड ये मुझे पड़ा था 1600 रुपीज़ का। एक्सपेंसिव है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और मैं इसको डेफिनेटली रिटर्न करने वाली हूँ। करंटली दिस इज अवेलेबल फॉर 1600 ओनली एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज 4000 रुपीज़। बिल्कुल भी नहीं, 4000 तो दूर की बात है, मैं तो 1600 में भी ना लूँ इसको। ये थोड़ा और हाई वेस्टेड होता एंड इसकी फिटिंग अच्छी होती तो मैं इसको डेफिनेटली अपने पास रख लेती, बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, सो आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस एंड या इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट अप वी हैव इज अ ब्यूटिफुल, ओहो इतनी बिल्ली के बाल। नेक्स्ट अप वी हैव इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टी शर्ट फ्रॉम H&M एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इस पे फैंटा लिखा हुआ है। इस टाइप की टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा इन है एंड आई थिंक काफ़ी टाइम से है। फैंटा, पेप्सी, कोका कोला, इस टाइप की टी शर्ट्स काफ़ी लोगों के पास मैंने देखी हुई है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा एंड मुझे ये सेल पे दिख रहा था, सो आई थॉट कि मुझे अब ले लेना चाहिए एंड आई रियली रियली लाइक दिस वन। सो H&M पे जनरली इन टाइप की टी शर्ट्स का प्राइस वही 800 ही होता है। सो उस टाइम पे सेल चल रही थी, तो ये मुझे पड़ गया था 575 रुपीज़ का, विच इज़ लाइक अच्छा प्राइस है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल गया। एंड मैंने इसको लिया था मीडियम साइज में क्योंकि मुझे वही लूज फिटेड टाइप का ही एक वो चाहिए था। क्या चाहिए था, मतलब लूज फिट टी शर्ट चाहिए थी, मुझे ज़्यादा बॉडी हगिंग नहीं चाहिए थी। तो मुझे एकदम परफेक्ट है इसका साइज़ मीडियम, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट हुआ है एंड आई रियली लव द मटेरियल। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका फैब्रिक है कॉटन में, सो वेरी समर अप्रोप्रिएट। आप हमेशा ना इस टाइप के लूज टी शर्ट्स को ऑब्वियसली डेनिम्स वगैरह के साथ तो आप स्टाइल कर ही सकते हो, बट इसको थोड़ा और स्टाइलिश बनाने के लिए एंड थोड़ा और ट्रेंडी बनाने के लिए आप इनको साइकिलिंग शॉर्ट्स के साथ ज़रूर स्टाइल कर सकते हो एंड नीचे स्नीकर्स पहन लो। दैट इज़ इट, मतलब दैट इज़ माई वाइब। मुझे इस तरीके के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नहीं पहन पाती हूँ, बट दिस इज़ माई वाइब। मुझे इस तरीके के आउटफिट्स के लिए मैं ऐसे मरती हूँ कि मैं कहीं पहन पाऊँ, बट नहीं पहन सकती यार। क्या हम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारी बॉडी में से स्मेल आ जाए, बॉडी ओडर आ जाए किसी को, तो पूरी पर्सनैलिटी की ऐसी की तैसी हो जाती है एंड आई डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। सो आई हैव गॉट सम रियली गुड रिकमेंडेशंस फॉर यू गाइज। सो आई हैव गॉट अ परफ्यूम एंड बॉडी वॉश फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड फ्रेंच एसेंस एंड इस ब्रांड की डिटेल्स आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तब तक लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस परफ्यूम। दिस इज हाउ दिस परफ्यूम लुक्स लाइक। आई रियली लव द पैकेजिंग। मैं जनरली पैकेजिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देती, बट इफ इट्स अबाउट परफ्यूम तो फ्रेग्रेंस के साथ साथ बॉटल अच्छा होना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम आपने ले लिया है, बट ट्रस्ट मी गाइज दिस इज सो अफोर्डेबल। एंड अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो अगर आपको फ्लोरल एंड सिट्रसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन गो विद दिस वन। इसका टॉप नोट इज मैंडरिन विच इज लाइक ऑरेंज की जैसी स्मेल होती है। मिड नोट है इसका फ्लोरल एंड बेस नोट इज मस्क एंड दिस इज सुपर अफोर्डेबल एज आई सेड। 60 ml की बॉटल है एंड ये आपको पड़ जाएगी 449 रुपीज की एंड आप देख सकते हो मैं इसको इतना ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। इनफैक्ट अभी भी मेरे अंदर से ना यही खुशबू आ रही है, बट मेरा और लगाने का मन कर रहा है, सो लेट मी जस्ट। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर मी, सो आई वुड हाईली रेकमेंड दिस वन। अनदर थिंग आई हैव इज दिस बॉडी वॉश एंड आप देख लो मैं इसको ऑलरेडी इतना यूज कर चुकी हूँ बिकॉज आई जस्ट लव दिस वन। दिस वन इज ऑल्सो सुपर अफोर्डेबल, 30 ml की बॉटल है एंड ये आपको 289 रुपीज़ की पड़ जाएगी। एंड अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये आपको ऑरेंज एंड सिनेमन के फ्लेवर में मिलेगा एंड आई रियली लाइक ऐसी सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज। दिस इज सुपर रिफ्रेशिंग, जेंटल ऑन योर स्किन एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा डिलिशियस है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको खाने का मन करेगा, इतनी ज़्यादा डिलिशियस खुशबू है इसकी। सो आई रियली लाइक बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड आई वुड हाईली रेकमेंड दिस वन। आपको इन सबका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉप एंड ये बहुत ही सिंपल सा टॉप है और अच्छा लगा था मुझे वहाँ पे देख के। मुझे थोड़ा सा लगा कि फॉर्मल पैंट्स मैंने लिया है तो मैं कुछ फॉर्मल टॉप्स भी ले लेती हूँ उसके साथ पेयर करने के लिए। सो दिस इज द टॉप, इट्स इन पिंक कलर एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट टॉप है ये। इसका मटेरियल इज़ वेरी सॉफ्ट, जैसे शिफॉन होता है ना उसी टाइप का मटेरियल है। आई डोंट नो कि ये शिफॉन है या नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है एंड वेरी समर अप्रोप्रिएट। मैंने इसको ऑफिस के पर्पज़ से लिया था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका एक वी टाइप का नेक है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई लव द स्लीव्स, एक्चुअली इसकी वो बलून टाइप की स्लीव्स हैं एंड मुझे इस टाइप की स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई लाइक द ओवरऑल लुक ऑफ दिस टॉप मुझे काफी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे साइड में जिप भी दी हुई है तो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है इसको पहनने में, टॉप की शेप खराब नहीं होती। So yes, nothing much to say about it. I really like this color and this top. Overall काफ़ी अच्छा top है and this was also super affordable. ये मुझे पड़ा था 519 रुपीज़ का, मैंने लिया था स्मॉल साइज़ में और ये मुझे हल्का सा लूज़ है बट अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऐसा बैगी सा नहीं है, सही है। सो स्मॉल साइज़ में मैंने लिया था, आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं होगा तभी। एंड करेंटली दिस इज़ अवेलेबल फॉर 649 रुपीज़, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है बट आई थिंक आप इसको विश लिस्ट में अपने ज़रूर डाल सकते हो। अगर कभी प्राइस कम हुआ तो आप इसको ले सकते हो बिकॉज आई रियली लाइक इट। एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 1298 रुपीज़, 1298। नाइस, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप इसको ले सकते हो अगर आपकी इस टाइप की वाइब है तो। Yeah, that's okay. So next up we have is another culottes and ये भी मैंने formal wear के purpose से ही लिया था and मुझे कुछ इस कलर में चाहिए था जो थोड़ा multi-purpose हो, बहुत सारे अलग अलग tops के साथ and कुर्तीज़ के साथ चला जाए। So these are the navy blue colored culottes. I लव 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 दिस वन। मैंने पहली बार लाइफ में क्यूलॉट्स खरीदे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इससे मुझे लग रहा था इतनी अच्छी फिटिंग नहीं होगी या पता नहीं कैसा लगेगा, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई लव द फैब्रिक ऑल्सो, दिस इज़ इन प्योर कॉटन, सो आई रियली लाइक इट। एंड मुझे इसका फिट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बॉडी हगिंग है एंड नीचे काफ़ी ह्यूज फ्लेयर्स हैं, सो आई रियली लाइक द स्टाइल। एंड मैंने इसको अपने पिंक टॉप के साथ भी पहना था एंड इनफैक्ट जो पिंक कलर की कुर्ती थी उसके साथ भी पहना था, सो काफ़ी ज़्यादा दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो दिस इज़ वेरी वर्सेटाइल, आप इसको क्रॉप टॉप्स, टॉप्स एंड कुर्तीज़ वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हो एंड आई रियलाइज कि पिंक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आई थिंक ये हर किसी के वार्डरोब में होना ही चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड आई लव इट टोटली एंड वेरी परफेक्ट फॉर द समर्स। ये मुझे पड़ा था 849 रुपीज़ का, साइज़ मैंने लिया 26, मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ, रियली लव द फिट। एंड करेंटली दिस इज़ अवेलेबल फॉर 934 रुपीज़, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, कुछ 100 रुपये के आसपास का डिफरेंस है, तो आप अभी भी इसको ले सकते हो। एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज 1699 विच इज़ 1700 रुपीज़ का है ये। सो आई थिंक अभी आप अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो इस टाइम पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अ ड्रेस नाउ। मैंने एक ड्रेस भी ले ली थी बिकॉज दिस वाज सुपर अफोर्डेबल एंड काफ़ी अच्छे ब्रांड से थी विच इज़ Forever 21। एंड मैंने ज़्यादा कभी Forever 21 से शॉपिंग करी नहीं बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एंड पता नहीं कभी मेरा ध्यान Forever 21 पे इतना गया नहीं। मैंने आई थिंक लाइफ में सिर्फ वहाँ से एक ज्वेलरी ली है एंड दैट इज़ इट। मैं कभी ज़्यादा Forever 21 एक्सप्लोर नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मतलब मेरे दिमाग में यही इमेज है कि Forever 21 इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई डोंट नो कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती भी है या नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द ड्रेस, सो दिस इज़ द सुपर क्यूट रेड कलर ड्रेस। आई लव 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 दिस वन। सो दिस इज़ इन रिब्ड मटेरियल एंड द मटेरियल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी 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 स्ट्रेची एज यू कैन सी। बहुत ही ज़्यादा क्यूट आउटफिट है, परफेक्ट फॉर डे आउटिंग्स। मैंने इसको बूट्स के साथ एंड एक फेनी बैग के साथ स्टाइल किया था एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर क्यूट सा आउटफिट है। इनफैक्ट अगर आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है तो आप इस टाइप की ड्रेसेस भी पहन सकते हो। अगर आपकी वाइब ज़्यादा ऐसी फ्लोरल वाली एंड शॉर्ट ड्रेसेस वाली नहीं है एंड अगर आपको ऐसे क्यूट ड्रेसेस एंड थोड़ी डिसेंट लेंथ की ड्रेसेस पसंद है तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस वन बिकॉज दिस इज़ सुपर अफोर्डेबल ऑल्सो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। सो मुझे ये काफ़ी अच्छी डील मिल गई इसमें। ये मुझे पड़ा था 769 रुपीज़ का ओनली एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 1400, सो ऑलमोस्ट आधे दाम में मुझे पड़ गया। सो काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, करेंटली दिस इज़ अवेलेबल फॉर 699, तो मैंने जितना सेल पे लिया था उससे भी कम रेट में अभी ये मिल रहा है। सो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना तो आप भाग के ले लो बिकॉज काफ़ी अच्छी डील चल रही है इस पर। एंड ये मैंने लिया था स्मॉल साइज़ में एंड मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ। सो गाइज, गो फॉर दिस वन एंड ले लो जल्दी से, बहुत ही अच्छा रेट चल रहा है इस पर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डेनिम्स एंड मैंने इस बार 2 डेनिम मंगाई मिंत्रा से। आई हैव नेवर शॉप डेनिम्स फ्रॉम मिंत्रा एंड जब ये डेनिम्स आए आई जस्ट कूडेंट बिलीव कि ये मैंने मिंत्रा से खरीदा है एंड दैट टू इतना अफोर्डेबल रेट्स में। सो द फर्स्ट डेनिम आई हैव इज दिस ब्लैक हाई राइज डेनिम। ओ माई गॉड, आई लव दिस डेनिम ओके। इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। आई थिंक इसको टेपर्ड फिट डेनिम बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड मेरे पास ब्लैक डेनिम तो है बट वाइड लेग में है एंड स्किनी फिट में है। मेरे पास इस टाइप की फिटिंग में कोई डेनिम नहीं थी। सो काफ़ी ज़्यादा इसे सरप्राइज थी मैं कि मेरे पे इतना ज़्यादा अच्छा लग सकता है ये। सो आई एम इन लव विद दिस डेनिम एंड दिस इज़ लाइक इसका मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। जीन्स में यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिटिंग ही होता है बिकॉज अगर आपके जीन्स की फिटिंग अच्छी नहीं है चाहे आप कितनी अच्छी जीन्स ले लो तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। सो फिटिंग इज़ जस्ट ऑन पॉइंट ट्रू टू द साइज़। मैंने इसको ऑर्डर किया था 26 में एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट हुआ। ये मुझे पड़ा था 1499 रुपीज़ का बट आई वुड से दिस इज़ वर्थ द प्राइस। बहुत ही अच्छी डेनिम है एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 2000 रुपीज़। सो 500 रुपये के आसपास का डिस्काउंट पड़ गया था इसमें एंड करेंटली अभी भी ये 1500 रुपये का ही है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो एंड आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। यू आर गोइंग टू लव दिस वन। सो हाईली 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 रिकमेंड। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेनिम एंड माई फेवरेट डेनिम। मेरे पास इस टाइप का कोई भी डेनिम नहीं है एंड आई एम सो सो हैप्पी कि मैंने इसको खरीदा। सो दिस इज द ड्रिप्ड डेनिम एंड आप जब इसका प्राइस सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे, आप पागल हो जाओगे। बट उससे पहले आप देखो कि ये दिख कैसा रहा है। आई एम इन लव विद दिस जीन्स गाइज। ओ माई गॉड इसका फिटिंग एंड जो इसका फ्लेयर है एकदम परफेक्ट जगह पे। इट इज़ रिप्ड। आई जस्ट लव 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 द वाइब ऑफ दिस डेनिम। लव इट टोटली। एंड आप इसको कितने सारे टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। आप इसको क्रॉप टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, अलग अलग ब्लाउजेस के साथ स्टाइल कर सकते हो। दिस इज जस्ट वेरी वर्सेटाइल, वेरी ट्रेंडी एंड वेरी 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 नाइस। आई लव इट टोटली। एंड अगर आप प्राइस की बात सुनो तो वो एकदम चार चांद लगा देता है इस चीज़ पे। ये मैंने लिया था सिर्फ 779 रुपीज़ का विच इज़ super affordable. I love it and currently this is available for 1039। 300 रुपये थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको अभी खरीदते हो तो। बट पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए एंड कभी वापस आए ना, मुझे तो हमेशा यही डर लगता है। आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो बिकॉज आई जस्ट हाईली रिकमेंड। मैं इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। एंड इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 2600 रुपये विच इज़ लाइक एक्सपेंसिव हो गया थोड़ा। तो मैं इसको 2600 रुपये का तो नहीं लेती आई गेस अगर ऐसे मुझे दिखता, क्योंकि पिक्चर में इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सस्ता था इसीलिए मैंने लिया एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये खरीदा बिकॉज दिस डेनिम इज़ रियली नाइस। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डेनिम। ओके सो मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम फ्रॉम दिस हॉल विच इज़ दिस वाइट टॉप फ्रॉम H&M। आई थिंक इस हॉल में मैंने दोनों डेनिम्स के ऊपर यही पहना था। मेरे पास ऐसा ना H&M से ब्लैक कलर में इस टाइप का क्रॉप टॉप था, मेरे पास वाइट कलर में नहीं था एंड इस पर भी मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई। सो ये इसका एक्चुअल प्राइस इज़ 250 एंड ये मुझे पड़ गया 179 रुपीज़ का। सो अच्छा डील मिल रहा था एंड मुझे लगा भी कि मुझे वाइट में कुछ चाहिए भी था इतने टाइम से। सो मैंने ये ले लिया एंड ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया था। सो मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है एंड लव इट टोटली। यस सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई रियली 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 होप कि आपको ये हॉल अच्छा लगा हो एंड इसमें से कुछ आपको कुछ पसंद भी आया हो। एंड अगर आप कुछ भी खरीदते हो एंड कभी स्टाइल करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे रिकमेंडेशन से आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी एंड आप उसको पहन रहे हो। सो या जस्ट लेट मी नो। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसके साइड में एक बेल बटन भी होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको भी हिट कर देना बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसे नोटिफिकेशन आ जाएगी फटाक से। अब मेरी वीडियोज़ कोई भी मिस नहीं करोगे। सो येस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो एंड करने का बट करना तो पड़ेगा। सो येस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।